हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए कुछ हिंदी वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग लेकर आई हूँ। फर्स्ट वर्ड है आयत। आयत को इंग्लिश में क्या कहती हैं? आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहती हैं? त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहती हैं? वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है वृत्त या चक्र। वृत्त या चक्र को इंग्लिश में क्या कहती हैं? वृत्त या चक्र को इंग्लिश में सर्कल कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है अर्धवृत्त या अर्धचक्र। अर्धवृत्त या अर्धचक्र को इंग्लिश में क्या कहती हैं? अर्धवृत्त या अर्धचक्र को इंग्लिश में सेमी सर्कल कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है घन। घन को इंग्लिश में क्या कहती हैं? घन को इंग्लिश में क्यूब कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में क्या कहती हैं? घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है शंकु। शंकु को इंग्लिश में क्या कहती हैं? शंकु को इंग्लिश में कोन कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है षटभुज। षटभुज को इंग्लिश में क्या कहती हैं? षटभुज को इंग्लिश में हेक्सागन कहती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।